दिल्ली रेन्स, मई में गर्मी से राहत, जून में कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बारिश पर आईएमडी ने दिया अपडेट। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से 1 जून तक बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। बता दें, इस बार मई के महीने में हुई बारिश के चलते दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी। आइए जानते हैं मई में हुई बारिश पर आईएमडी ने क्या दी जानकारी। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस बार लोगों को हीटवेव से राहत रही है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वैद्यशाला में 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्री मानसून सीजन में कोई हीटवेव रिकॉर्ड नहीं की गई है। हालांकि दिल्ली के सुदूर इलाकों में अप्रैल और मई में संक्षिप्त अवधि के लिए लू की स्थिति देखी गई थी। इस बार मई के महीने में अधिकतम तापमान सामान्य से कम जबकि बारिश अधिक दर्ज की गई है। दिल्ली के मौसम में ये बदलाव क्यों? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में इस बदलाव के लिए सामान्य से अधिक पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, आमतौर पर अप्रैल और मई में उत्तरी मैदानी इलाकों में 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इस बार 10 पश्चिमी विक्षोभ दर्ज किए गए हैं। आने वाले दिनों के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 जून से दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 जून तक तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया जाएगा। अप वेदर टुडे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। आज सोमवार को 35 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं। यूपी मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं। हालांकि अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र से बने सिस्टम का असर राजस्थान तक आते आते शांत होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। यूपी मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 2 जून तक पश्चिमी जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं दूसरे सभी जिलों में मौसम शुष्क होगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंधी पानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत आंधी और बारिश होने की संकेत है। 31 मई तक ऐसे ही मौसम में बदलाव होता रहेगा। यूपी मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन और मौसम का यही हाल रहा तो आम पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें करीब 25% तक गिरावट देखी जा सकती है। वहीं आज लखनऊ सहित प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अभी 31 मई तक ऐसे ही मौसम में बदलाव होता रहेगा। इसके बाद फिर से तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यूपी मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण नम हवाएं यूपी में आने लगी है। 30 मई तक जो बारिश होगी वह भी मानसून बारिश का असर है। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में मंगलवार को इसका असर दिख सकता है और नोएडा गाजियाबाद समेत कुछ इलाकों में भारी वर्षा और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम में नरमी बनी रहने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी आज और कल यानी 30-31 मई के लिए आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज न्यूनतम तापमान गिरकर 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। कल यानी बुधवार तापमान में थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है। 21 मई को न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जून के शुरुआती दिनों में भी मौसम में नरमी बनी रहने के आसार हैं। जून तक नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया जाएगा।